हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज मैं आप लोगों के लिए नेटफ्लिक्स की टॉप 10 बेस्ट मस्ट वॉच कोरियन ड्रामा लेके आया हूँ, जो आपको हिंदी मिल जाएगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो यार लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। और सभी ड्रामा बहुत ही ज़्यादा अच्छी है यार, तो जाके चेकआउट कर लेना। और अगर आपको मेरी वीडियो की कोई भी ड्रामा चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाके चेकआउट कर लेना। तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। हमारी 10 नंबर पर ड्रामा है किंग रिटर्न ऑफ मोनार्क। इस ड्रामा को IMDb रेटिंग ली है 8.3 की। ये ड्रामा बहुत ही ब्यूटीफुल और इंटरेस्टिंग है, और इसलिए इस ड्रामा को इसके बेसिक सिनॉप्सिस पर जज मत करना। ड्रामा की स्टोरी सेट है 1994 के किंगडम ऑफ कोरिया में, जहां किंग को उनका भाई लिलिम एक मैजिकल फ्लूट पाने के लिए मार देता है। और जब वो प्रिंस गोंग को मारने वाला होता है, तभी वहां एक लड़की आकर प्रिंस को बचा लेती है। और लिलिम वहां से भागकर उस मैजिकल फ्लूट की मदद से पैरेलल वर्ल्ड का पोर्टल खोलकर पैरेलल वर्ल्ड में चला जाता है। और क्योंकि प्रिंस बेहोशी की हालत में होता है, तो वो उस लड़की का चेहरा नहीं दिख पाता, और वो लड़की वहां से मिस्टीरियसली गायब हो जाती है। और प्रिंस के पास पहचानने के लिए सिर्फ एक आईडी कार्ड ही रह जाती है। असली प्रिंस 25 सालों से उस लड़की को ढूंढ रहा है। और फिर एक दिन प्रिंस गलती से उसी पोर्टल के थ्रू पैरेलल वर्ल्ड में चला जाता है, जहां डेमोक्रेटिक रिपब्लिक गवर्नमेंट रूल कर रही होती है, और वहीं उसकी मुलाकात उस लड़की से होती है। और अब इसके बाद प्रिंस के साथ क्या होता है और वो इस वर्ल्ड में खुद को कैसे एडजस्ट करता है, यही आपको इस ड्रामा में देखना होगा। ये ड्रामा इतनी ज्यादा इमोशनल और रोमांटिक है कि जब आप इस ड्रामा को देखोगे तो आपको बहुत सारा गूज़बम्प आएगा। खूबसूरत, मुझे ये चाहिए। मुझे ये चाहिए, अभी चाहिए। हमारी 9 नंबर पर ड्रामा है इट्स ओके टू नॉट बी ओके। इस ड्रामा को IMDb रेटिंग ली है 8.8 की। लव एक ऐसी फीलिंग होती है जिसे हम अपने लविंग वन को कई डिफरेंट तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। कभी उस पर गुस्सा करके तो कभी उसकी केयर करके तो कभी उसे अपने जिद मानकर, तो कभी उसकी मुसीबत में उसका साथ देकर। और इन सभी तरीकों को आप देखने वाले हो इस ड्रामा में। इसमें स्टोरी दिखाई गई है एक साइकोवर्ड केयर टेकर गैंगजी और उसके बड़े भाई सेंगजी की। ये दोनों बचपन में ही अनाथ हो गए थे, तभी से गैंगजी अपना और अपने बड़े भाई का ख्याल रख रहा होता है, जो बचपन से एक मेंटल प्रॉब्लम से सफर कर रहा है, जिसकी वजह से बड़ा होने के बावजूद भी उसका दिमाग बच्चों जैसा होता है। गैंगजी को अपने बड़े भाई की वजह से बहुत से प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, पर उसकी लाइफ पूरी तरीके से तब ट्विस्ट हो जाती है जब उसके लाइफ में एक सक्सेसफुल फेरी टेल स्टोरी राइटर मुनियोंग की एंट्री हो जाती है, जिसके अंदर बिल्कुल भी फीलिंग नहीं होती और वो अपने गुस्से पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं रख पाती है, जिसकी सबसे बड़ी वजह होती है उसका भयानक डरावना पास्ट। और अब मुनियोंग गैंगजी को पाना चाहती है, क्योंकि वही है जो उसे ठीक कर सकता है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के पास्ट का एक खूबसूरत हिस्सा होते हैं। तो अब आपको इस ड्रामा में यही देखना होगा कि क्या मुनियोंग गैंगजी को पा पाती है या नहीं। मैं इस ड्रामा के बारे में सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि आपने बहुत से ग्रेट रोमांटिक कोरियन ड्रामा देखी होगी, पर इस ड्रामा में कुछ ऐसा स्पेशल है कि आप इस ड्रामा के वीविंग एक्सपीरियंस को अपने लाइफ के सबसे खूबसूरत पलों में शामिल करने पे मजबूर हो जाओगे। हमारी 8 नंबर पर ड्रामा है इट वॉन क्लास। इस ड्रामा को IMDb रेटिंग ली है 8.2 की। इस ड्रामा की स्टोरी है सिरोई की, जो अपने पापा मिस्टर पार्क के उसूलों पे चलता है, और इसलिए वो गलत काम और गलत इंसान के सामने कभी नहीं झुकता। और इसी वजह से वो देश के नंबर वन फूड कंपनी चंगा कंपनी के वारिस गनवान को मार देता है, क्योंकि वो दूसरे स्टूडेंट को बुली कर रहा रहता है। और प्रॉब्लम यह है कि मिस्टर पार्क भी उसी कंपनी में काम करते थे, और इसीलिए चंगा के चेयरमैन मिस्टर जेंगदेई अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए उन्हें घुटने पे आकर माफी मांगने के लिए कहता है। पर ऐसा ना करने की वजह से मिस्टर जेंगदेई उन दोनों को स्कूल और कंपनी से निकलवा देता है। पर असली राइवलरी तब हो जाती है जब एक एक्सीडेंट में मिस्टर पार्क की जान चली जाती है, जिसका जिम्मेदार गनवान होता है, पर वो पैसे की मदद से बच जाता है, और इसलिए सिरोई गुस्से में आकर गनवान को बहुत ज्यादा मार देता है, जिसकी वजह से उसे जेल हो जाती है। जिसके बाद सिरोई मिस्टर जेंगदीप को चैलेंज करता है कि आने वाले 15 सालों में उनसे ज्यादा सक्सेसफुल बनकर उनकी कंपनी को बर्बाद कर देगा और उन्हें घुटने पे लाकर माफी मंगवाएगा। और अब आपको इस ड्रामा में यही देखना होगा कि जब एक जीरो से शुरू करने वाला लड़का कॉम्पिटिट करता है उसी फील्ड के टॉप पे बैठे हुए इंसान से, तो अब कौन किसे बर्बाद करेगा और कौन किसे घुटने पे लाकर माफी मंगवाएगा, ये तो आपको ड्रामा देखकर पता चलेगा। एक मास्टरपीस मस्ट वॉच इंस्पिरेशनल के ड्रामा है, इसे आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। शायद ये ड्रामा आपके लिए लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस बन जाएगी। तो फिर अगर आप इस ड्रामा को देखना चाहते हो तो आप इस ड्रामा को नेटफ्लिक्स पर जाकर देख सकते हो। तुझे अपने उस छोटे से पब से गुजारा करना है तो सब्र से काम ले। 9 साल से बर्दाश्त कर रहा हूं, बस 6 साल और बर्दाश्त करूंगा और वो मेरी बर्दाश्त की हद होगी। 15 साल का प्लान है मेरा। मेरा एक ही मकसद है, इस बिल्डिंग की धज्जियां उड़ाना।
हमारी 7 नंबर पे ड्रामा विसंजो। इस ड्रामा को आईएमडीबी रेटिंग 8.5 की। विसंजो ड्रामा वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट लव्ड की ड्रामा है, तो इसलिए इस ड्रामा को मेरे एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग जज मत करना। ड्रामा की स्टोरी विसंजो नाम के इटालियन माफिया लॉयर की, जो कोरिया कंट्री से बहुत ज्यादा नफरत करता है, पर फिर भी वो कोरिया आता है अपने 8,000 करोड़ के गोल्ड को लेने, जिसने उसने अपनी बिल्डिंग गंगा प्लाजा के अंडरग्राउंड रूम में हाई सिक्योरिटी के साथ लॉक करके रखा है। और उस लॉक को तोड़ने के लिए उसे पूरी बिल्डिंग को गिराना होगा, पर प्रॉब्लम यह है कि उस बिल्डिंग में बहुत सारे टीनेंट रहते हैं और अब उस बिल्डिंग को कोरिया की एक बहुत बड़ी कंपनी बाबल ने गैर कानूनी तरीके से हड़प लिया है, जिसके बाद विसंजो बाबल की कमजोरी ढूंढने के लिए एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर के साथ बाबल के अगेंस्ट केस लड़ने लगता है, जिसके बाद उन्हें पता चलता है कि बाबल पेन किलर के जरिए पूरे कोरिया में डेडली ड्रग फैलाने की प्लानिंग कर रहा है, और इसीलिए बाबल ग्रुप एक एक करके विसंजो के करीबी लोगों को मरवा देता है, जिसके बाद ये मैटर प्रोफेशनल से पर्सनल बन जाता है, और इसीलिए विसंजो माफिया स्टाइल में बाबल ग्रुप से बदला लेने का फैसला करता है, पर लीगल तरीके से। और अब कितने यूनिक और स्टाइलिश वे में विसंजो अपना बदला लेता है, ये देखना आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग होगा, क्योंकि विसंजो कैरेक्टर की यही स्पेशलिटी है कि वो मनी हाइस्ट के मास्टरमाइंड प्रोफेसर की तरह अपने ओपोनेंट से एक कदम आगे रहता है। और इस इंटरेस्टिंग कैरेक्टर के साथ इस ड्रामा में आपको माइंड गेम्स, पॉलिटिक्स, सस्पेंस और कॉमेडी और लाजवाब एक्शन देखने को मिलेगा, जो इस ड्रामा को और भी ज्यादा एंटरटेनिंग बनाती है। और इन्हीं सब वजह से ये ड्रामा अभी तक की मोस्ट अवेटेड कोरियन ड्रामा है, जिसे आप नेटफ्लिक्स पर जाकर देख सकते हो। शाम को और हसीन बनाने के लिए किस। पर मुझे सबके सामने थोड़ा अजीब लगता है। हम आपके सामान को यहाँ से ले जाने आए हैं। आओ चले। मैं हूँ मूव टू हेवन से हान गुरु। और मैं चो सेंगू। हमारी 6 नंबर पे ड्रामा है मूव टू हेवन। इस ड्रामा को आईएमडीबी रेटिंग ली है 8.8 की। इस ड्रामा की स्टोरी है हांग गुरु की, जिसे एसेंजर सिंड्रोम है, जिसके वजह से वो बाकी बच्चों से डिफरेंट है पर बहुत ही इंटेलिजेंट है, और अपने पापा के साथ उनकी कंपनी मूव टू हेवन में ट्रोमा क्लिनिक का काम करता है, जिसमें वो डिसीज्ड पर्सन के रूम और घर की सफाई करते हैं, और उनके पीछे उनके छुटे हुए उनके पर्सनल चीजों को इकट्ठा करके ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि मरे हुए इंसान की आखिरी इच्छा क्या थी और वो क्या चाहता था। और सब कुछ ठीक चल रहा होता है, पर एक दिन गुरु के पापा की हार्ट अटैक की वजह से डेथ हो जाती है, जिसके बाद गुरु की कस्टडी उसके एक एरोगेंट, रूड और अल्कोहलिक अंकल के पास चली जाती है, जो सिर्फ पैसों के लालच की वजह से गुरु के साथ ट्रोमा क्लिनिक का काम करता है। और इस ड्रामा में इसी ट्रोमा क्लिनिक के माध्यम से बहुत सारी इमोशनल स्टोरी दिखाई गई है, और ये एक ऐसी ड्रामा है जिसमें इतनी सारी क्वालिटीज है कि मैं इसे शब्दों में डिफाइन नहीं कर सकता हूं। और इसी वजह से ये ड्रामा 2021 की अभी तक की सबसे बेस्ट और हाईएस्ट रेटेड ड्रामा है, जिसे आप नेटफ्लिक्स पे देख सकते हो। जो भी 5 मिनट में बिना पकड़े गए फिनिश लाइन को पार कर लेगा वो फर्स्ट राउंड जीत जाएगा। ये वही गेम है ना जो हम बचपन में खेलते थे। हमारी 5 नंबर पर ड्रामा है नेटफ्लिक्स की रिकॉर्ड ब्रेकिंग ड्रामा स्क्विड गेम। इस ड्रामा को आईएमडीबी रेटिंग 8.2 की। इस ड्रामा की स्टोरी मेनली रिवॉल्व करती है किमयून और उसके चाइल्डहुड फ्रेंड संगू के अराउंड, जो अपने लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस से सफर कर रहे हैं, और इसलिए वो दोनों 454 लोगों के साथ एक सर्वाइवल गेम स्क्विड गेम को ज्वाइन कर लेते हैं, जिसकी विनिंग प्राइस $46 बिलियन है। और इस गेम के कुछ रूल्स भी हैं। पहला रूल, आप गेम के किसी भी रूल्स को ब्रेक नहीं कर सकते, और दूसरा, आप गेम को बीच में छोड़ नहीं सकते जब तक मेजोरिटी प्लेयर क्विट ना करना चाहें। पहले ये गेम नॉर्मल बच्चों का गेम लगता है, पर जैसे ये गेम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है तो ये गेम बहुत ही ज्यादा डेडली और ब्रूटल गेम बन जाता है। इस ड्रामा को ऐसा रिकॉर्ड ब्रेकिंग रिस्पांस मिल रहा है कि इस ड्रामा ने नेटफ्लिक्स की मनी हाइस्ट और बिजिटन जैसे मोस्ट वॉच्ड शो को भी पीछे छोड़ दिया है और बन गई है नेटफ्लिक्स की नंबर 1 शो। तो फिर ऐसा क्या यूनिक और स्पेशल इस ड्रामा में कि इस ड्रामा का क्रेज पूरे वर्ल्ड में फैलता जा रहा है, ये जानने के लिए आप देखिए नेटफ्लिक्स की इस रिकॉर्ड ब्रेकिंग आउटस्टैंडिंग ड्रामा को। कितना सुंदर है। सही कहा, बहुत सुंदर है। क्या? हमारी 4 नंबर पे ड्रामा है स्टार्टअप। इस ड्रामा को 8.1 की आईएमडीबी रेटिंग ली है। बहुत ही कम ऐसी ड्रामा होती है हमारे लिए इतनी स्पेशल बन जाती है कि हम उसे बस देखते रहना चाहते हैं और सोचते हैं कि वो कभी खत्म ना हो, और स्टार्टअप ड्रामा उनमें से ही एक है। इस ड्रामा की स्टोरी दो बहन सोडालमी और वॉन इंजे की है, जो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो जाता है, और सोडालमी अपने पापा के साथ रहने लगती है और वॉन इंजे अपने माँ के साथ, जो एक अमीर बिजनेसमैन के साथ शादी करके यूएसए में सेटल हो जाते हैं। और क्योंकि सोडालमी बहुत अकेली पड़ जाती है, इसलिए उसकी दादी एक अनाथ लड़के हांग जो प्योंग जो उनके साथ रहता है उससे सोडालमी के लिए फ्रेंडशिप के लेटर लिखवाती थी, पर एक अननोन आइडेंटिटी नाम डोसान से, और इन्हीं लेटर्स की वजह से सोडालमी को नाम डोसान से प्यार हो जाता है, पर नाम डोसान का कोई अस्तित्व ही नहीं होता। और अब 15 साल के बाद जब वॉन इंजे अपने डैड के पैसे की मदद से एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन बनकर कोरिया वापस आती है, तो सोडालमी खुद को उसके लेवल का दिखाने के लिए वो ये बोल देती है कि और वो अपने बॉयफ्रेंड नाम डोसान की बहुत बड़ी कंपनी सैमसंग टेक की सीईओ है, और वो उससे नाम डोसान को मिलवाने का प्रॉमिस भी कर देती है, पर असलियत में वो एक गरीब सेल्स गर्ल रहती है और वो खुद भी नाम डोसान से कभी नहीं मिली होती। तो अब आगे क्या करती है
सोडालमी, ये तो आपको ड्रामा देखकर जानना होगा। और इस ड्रामा में आपको सोडालमी, लेटर बॉय हांग और ओरिजिनल लाम डोसान के बीच बहुत ही इंटेंस और इंटरेस्टिंग लव ट्रायंगल देखने को मिलेगा। इस ड्रामा में आपको हंसाने के लिए कॉमेडी, रुलाने के लिए इमोशंस, इंस्पायर होने के लिए चार यंगस्टर की सक्सेस होने की इंस्पायरिंग स्टोरी, सीखने के लिए लाइफ की फिलोसफीज और रोमांटिक फील कराने के लिए रोमांटिक फीलिंग, ये सब कुछ आपको इसमें मिलेगा। ओवरऑल ये एक मस्ट वॉच परफेक्ट ड्रामा है। लोग कहते हैं कि आजकल कोई अजीब सी चीज आकर आपकी मौत की भविष्यवाणी करती है और फिर पहले से बताए गए दिन पर वो आपको नर्क ले जाते हैं। हमारी थर्ड नंबर पे ड्रामा है हेलबाउंड। इस ड्रामा को IMDb रेटिंग मिली है 6.9 की। इस ड्रामा की स्टोरी सेट है एक फिक्शनल वर्ल्ड में, जहां एक इवल एंजल लोगों को ये बताता है कि उनकी मौत कब और कैसे होगी। और जब उस एंजल द्वारा बताया गया समय आता है तो उन लोगों के सामने तीन डेंजरस क्रिएचर्स आते हैं जो उन्हें बहुत बुरी तरीके से मार देते हैं, और पीछे बसती है तो सिर्फ उस इंसान की राख। और अभी डेथ एंजल और इन क्रिएचर के पीछे क्या मिस्ट्री है, इस चीज को इन्वेस्टिगेट करता है डिटेक्टिव जिन। मैं इस ड्रामा के बारे में सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि एक प्रॉपर एंटरटेनिंग शो वही होता है जिसमें ऑडियंस को कुछ ऐसा यूनिक और डिफरेंट देखने को मिले जो बियॉन्ड इमेजिनेशन हो और यूनिक कॉन्सेप्ट को प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट और डायरेक्ट किया गया हो। और हेलबाउंड सीरीज में आपको ये सभी क्वालिटीज मिल जाएगी और इसी वजह से हेलबाउंड एक प्रॉपर टॉप क्लास लेवल की सुपरनैचुरल थ्रिलर शो है जिसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। मजा आ रहा है, जंगल कितना खूबसूरत लग रहा है। ओ देखो ट्रैक्टर भी हवा में उड़ रहा है, पर ऐसा क्यों हो रहा है। हमारी सेकंड नंबर पे ड्रामा है क्रैश लैंडिंग ऑन यू। इस ड्रामा को IMDb रेटिंग मिली है 8.7 की। इस ड्रामा की स्टोरी है साउथ कोरिया के एक इंडिपेंडेंट बिजनेस वुमन सिरी की, जो एक दिन पैराग्लाइडिंग कर रही होती है और एक तूफान की वजह से वो सीधा क्रैश लैंडिंग करती है नॉर्थ कोरिया के डिमिलिट्री जोन में, जहां उसकी मुलाकात होती है नॉर्थ कोरिया के स्पेशल फोर्स के कैप्टन सीजिन से, जो उसे अपने घर जाने में मदद करता है। पर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच हालात ठीक न होने की वजह से उसे सिरी को सबसे छुपाकर और प्रोटेक्ट करके ले जाना पड़ता है। पर सफर के दौरान सीजिन की इसी केयरिंग और प्रोटेक्टिव नेचर को देखकर उन दोनों के बीच प्यार हो जाता है। और अब इन दोनों को इस सफर में कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और इसके बाद क्या होता है इन लवबर्ड्स के साथ जो डिफरेंट राइवल कंट्री से बिलोंग करते हैं, ये तो आपको ड्रामा देखकर जानना होगा। इस ड्रामा की जो बेस्ट बात है, जो इस ड्रामा को एक परफेक्ट रोमांटिक ड्रामा बनाती है, वो है इन दोनों कैरेक्टर्स की केमिस्ट्री, जो आपको इनसे और इस ड्रामा से प्यार करने पे मजबूर कर देगी। और इनकी इसी क्यूट बॉन्डिंग की वजह से हम सब इस ड्रामा के सभी रोमांटिक फीलिंग को फील कर पाते हैं और यही सबसे बड़ा कारण है कि हम इस ड्रामा से इतना ज्यादा इमोशनली अटैच हो जाते हैं कि हम इस ड्रामा से स्टार्टिंग से लेके एंड तक एंगेज रहते हैं। हॉस्टल की सारी लड़कियां उसके पीछे पागल हैं। बहुत हॉट है, बिल्कुल किसी प्रिंस की तरह। किसे दोबारा? हमारी फर्स्ट नंबर पे ड्रामा है सो नॉट वर्थ इट। इस ड्रामा को IMDb रेटिंग मिली है 7.9 की। एक अमेजिंग कॉमेडी ड्रामा है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है कुछ स्टूडेंट की जो कई डिफरेंट नेशन से सियोल के इंटरनेशनल कॉलेज में पढ़ने आए होते हैं और कॉलेज के हॉस्टल में रहते हैं, और अब कैसे ये सभी स्टूडेंट खुद को इस इन्वायरमेंट में सेटल करते हैं और कैसे इनकी फ्रेंडशिप होती है और कैसे इन्हें इन स्टूडेंट के बीच अपना प्यार मिलता है और इनके साथ क्या क्या इंटरेस्टिंग होता है, यही आपको इस ड्रामा में देखना होगा। तो फिर अगर आप एक आउटस्टैंडिंग लाइट मूडेड फनी ड्रामा देखना चाहते हो जिसमें आपको हंसाने के लिए बहुत सारी कॉमेडी और थोड़ा सा रोमांस हो तो आप इस ड्रामा को नेटफ्लिक्स पे जाकर देख सकते हो। ओए क्या ये सच में एक बच्चा है, ये तेरा है क्या? अरे नहीं यार। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अच्छी लगी तो लाइक कर दो यार, कमेंट कर दो और कुछ लोगों को शेयर कर देना, और वीडियो बनाए हुए यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कमेंट प्लीज कर देना, और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको टॉप 10 रोमांटिक कॉमेडी कोरियन प्लस चाइनीज ड्रामा देखना है और टॉप 10 बेस्ट कोरियन ड्रामा देखना है तो मेरी एंड स्क्रीन पे दो वीडियोस हो रही है, आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो।